तो बात ऐसी है कि स्पाई यूनिवर्स के अपकमिंग सुपर सीक्वल मूवी वॉर 2 से ऋतिक रोशन के अपोजिट जूनियर एनटीआर की गॉडजिला लेवल की एंट्री होने वाली थी इस मास सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जमाने पहले ही मेकर्स ने कर डाली है। बट अब दिल को ऑर्गेज्म देने वाली बॉम्ब्लास्टिक अपडेट ये निकल के आई है कि जूनियर एनटीआर की रूथलेस और जॉ ड्रॉपिंग एंट्री टाइगर 3 से हो रही है। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि जितने स्पीड से आज के डेट पर कोई इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स जोरों शोरों से किसी बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है, तो वो है यशराज के ब्लॉकबस्टर स्पाई यूनिवर्स, जो अपने यूनिवर्स की फिफ्थ ऑफिशियल फ्रीकिंग मूवी को सलमान खान की मच अवेटेड टाइगर 3 के साथ इस साल दिवाली पर रिलीज होकर सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाली है। बट यहाँ पर दिमाग की घंटी बजा देने वाली बात यह है कि टाइगर 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट कोई और नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर होने वाला है, जिसे लॉजिकली स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स ऑफिशियली टाइगर 3 के बॉम्ब ब्लास्टिक क्लाइमैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस आने वाले हैं, जहाँ पर कल्ट क्लासिक विक्रम मूवी की तरह ही टाइगर 3 के क्लाइमेक्स के ओपन एंडिंग रखी जाएगी और उस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी वाले एंडिंग के अंदर शॉकिंग सरप्राइज देते हुए स्पाई यूनिवर्स के अंदर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एंटर हो जाएगा। और मूवी के अंदर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की एंट्री होते ही हमें ये मैड चीज पता चल जाएगा कि आखिर वॉर 2 के अंदर क्या बवाल की चीज देखने को मिलेगा। और सिंपली कहूँ तो टाइगर 3 के क्लाइमेक्स के अंदर जो जूनियर एनटीआर का कैमियो होने वाला है वो एक्चुअल में एक मॉन्स्टर सेटअप होने वाला है वॉर 2 मूवी के लिए, जिसमें जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन का माइंड को ब्लास्ट कर देने वाला ब्लडी एक्शन पैक्ड फेस ऑफ देखने को मिलेगा। पर बात ऐसी है ना जूनियर एनटीआर के स्पाई यूनिवर्स के अंदर तोड़ू एक्शन देखने के लिए ऑडियंस को वॉर 2 का 2025 तक वेट करना होगा, क्योंकि लॉजिकली मूवी को जमाना बाकी है रिलीज होने के लिए। हाँ, बट इसके अलावा दिलो दिमाग के अंदर बड़ा बड़ा खड्डा करने वाला क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि सलमान खान की टाइगर 3 के अंदर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की एंट्री हो ही रही है, तो किस तरीके से स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को प्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्या जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का सुपर विलन बनते हुए स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा बैडएस थानोस बनेगा, या फिर मेकर स्पाई यूनिवर्स की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जूनियर एनटीआर के मर्सिलेस रूटलेस कैरेक्टर को एक सुपर एजेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो पठान टाइगर कबीर के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस सुपर स्पाई यूनिवर्स की लेगेसी को पूरे फोर्स के साथ आगे बढ़ाएगा। और जैसे कि चटपटे नॉटी रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि 69% के साथ सलमान खान की मच अवेटेड टाइगर 3 के अंदर जूनियर एनटीआर का एनर्जेटिक कैमियो देखने को मिलेगा, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ अगर इस फटे रूमर्स के अंदर 1% की भी सच्चाई है तो पूरे पैन इंडिया में मेजोरिटी ऑडियंस स्पेशली टाइगर 3 के शॉकिंग क्लाइमेक्स में होने वाले जूनियर एनटीआर की बहुकाल से भरी एक्शन पैक एंट्री को ही देखने के लिए जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 1% के चांस के साथ अगर जूनियर एनटीआर का कैमियो टाइगर 3 के अंदर एग्जिस्ट करता है तब तो डेफिनेटली टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डंके की चोट पर डबल होने वाले हैं, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है भाई। जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार का स्पाई यूनिवर्स के अंदर एंटर होना ये स्पाई यूनिवर्स के अंदर आने वाले उस ब्लॉकबस्टर तूफान की ओर इशारा कर रहा है, जिसका एक्चुअल ग्लिम्स हमें टाइगर 3 के अंदर देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि स्पाई यूनिवर्स के अंदर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा और एक्सट्रीम लेवल पे बैडएस होने वाला है, और इस चीज को इमेजिन करते ही मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि ये बंदा किस लेवल का क्योस मचाने वाला है इस यूनिवर्स के अंदर। वैसे तुम्हें क्या लगता है स्पाई यूनिवर्स के अंदर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर किस टाइप का होगा? क्या बंदा स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर विलन बनेगा, या फिर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे ब्रूटल एजेंट होगा? इस पर तुम्हारी जो भी फैन थ्योरी से बिना समोसा खाए कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जीजीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।